गाइस कैसे हो आप सभी। आई होप क्या सब बहुत अच्छे हो। तो गाइस बहुत सारे लोग अपने एक्टिवा 2G 3G 4G में डिजिटल मीटर लगाना क्योंकि ज़्यादा अच्छा दिखता है और काफ़ी सारी डिटेल्स देता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे अगर कोई अपना एक्टिवा 5G में 2G 3G 4G का मीटर लगाने का सोच रहा है तो वो इम्पॉसिबल से ऐसा होगा, क्योंकि उसमें क्या है जो उसका स्पीड का सेंसर है ना वो पीछे गियर बॉक्स के चेसिस के अंदर फिट है। तो यहाँ पे मैं एक चेसिस की फ़ोटो लगा दूंगा, उसके अंदर एक छोटा सा होल करना पड़ेगा, उसमें जाके उसके बाद वो अंदर लगेगा। तो वैसा अपन को नहीं करना है। यही सेम अपना टीवीएस जुपिटर में होता है, उसके चेसिस के अंदर जो स्पीड का सेंसर रहता है वो अंदर फिट किया जाता है। तो उसके लिए चेसिस में होल करना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। उसके बाद वो अंदर गियर से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब देखना पड़ेगा। तो वो सब तो अपन नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे ये दूसरी कंपनी का मीटर देखा है, उसकी फ़ोटो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी सिर्फ जो अपनी जो एक्टिवा की मीटर की वायर है ना वो नीचे से आ रही, वो ऊपर से सीधे ये मीटर में लग जाएगी। सिंपली प्लग एंड प्ले वाला रहेगा, सिंपल ये पुरानी ये मीटर से निकालो नए मीटर में लगा दो। उसके बाद सिंपल जो मीटर का कपलर है उसमें बेसिक वायर है जो अपनी जो इंडिकेटर की हाई बीम की, ये सारे 7-8 वायर हैं वो अपन को जोड़नी पड़ेगी और आपका पूरा डिजिटल मीटर वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कोई भी स्पीड का सेंसर नहीं लगाना है जहाँ तक मेरे को से पता है। और मैंने अपनी एक्टिवा में अलॉय व्हील्स भी लगाए थे तो उसमें आप देख सकते हैं मैंने कोई भी ऑल्टरेशन नहीं किया था। और मैंने अपनी एक्टिवा में 12 इंच का व्हील लगाया तो उससे मैंने कोई ऑल्टरेशन नहीं किया था। दोनों वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसमें कोई भी जो मीटर में उसमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं करना है, सिर्फ हाँ देखना पड़ेगा कि वो साइज़ मीटर में, क्योंकि अपना एक्टिवा का जो मीटर वो छोटा है और जो डिजिटल मीटर काफ़ी उससे बड़ा है तो वो लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे जो मीटर की प्राइस है वो 2250 है क्योंकि अभी वो लेटेस्ट मिल रहा है और मेरे को वो 2150 या फिर 2200 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर लगाऊँ या नहीं लगाऊँ प्लीज़ आप लोग ये नीचे कमेंट करना, और आप लोग का सपोर्ट है तो अपन जल्दी उसमें लगाएंगे। और अगर मैं उस गाड़ी की पूरी वायरिंग करता हूँ तो वो अप्रॉक्स 3600 का पूरा मिल जाएगा मेरे को सेटअप पर। काफ़ी कॉस्टली यार 2200 का मीटर, फिर वायरिंग, फिर उसमें सेटअप करो, ऑल्टेशन, ये सब करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप लोग का सपोर्ट है तो मैं पक्का वो वीडियो बनाऊँगा। तो बस यार आज के लिए तो यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसी ऑटोमेटिक यूजर मोटिवेशन लाते रहते हैं। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना।